नमस्कार दोस्तों, यूजीसी नेट की परीक्षाएं संपन्न हो गई हैं और आंसर की के लिए आप आपाधापी मची हुई है। बच्चे क्वेश्चन निकालने के चक्कर में परेशान हैं, तो मैं इनके आंसर की लेके आया हूं आपके बीच में। तो ये पहला वीडियो है जिसमें करीब 40 क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन आप भी याद कर रही है, जो आपको याद हो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और भी आगे मैं क्वेश्चन सर्च करके एकत्र करके फिर उसका भी वीडियो आपके बीच में ले आऊँगा। तो ये पहला वीडियो है, ये वीडियो आप देखिए। कि पहला सवाल है इसमें कि राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष, तो 34, 35, 36, 37 ऑप्शन था इसमें। 1936 ईस्वी राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है। सूर, तुलसी, कबीर और जयसी में जन्मकाल किसका सबसे पहले है, तो कबीर है सबसे पहले, उसके बाद सूर है, फिर जयसी और तुलसी सबसे छोटे हैं इनमें, फिर घनानंद केशव बिहारी मतिराम में, तो इसमें केशव सबसे बड़े हैं, केशव के बाद हैं बिहारी, बिहारी के बाद हैं मतिराम और घनानंद सबसे छोटे हैं। और ये कुछ संस्थाएं हैं, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी और प्रार्थना समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, थियोसोफिकल सोसाइटी की एनिवेशन, प्रार्थना समाज की केशवचंद, आर्य समाज की दयानंद सरस्वती। तौलिया किस भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और जो कहानियां हैं कि सरकारी कामकाजों पर व्यंग करने वाली, तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन था ए और बी करके, जामुन का पेड़ व भोला राम का जीव, इस तरह का था जिसमें ये दोनों कहानियां इंक्लूड हो रही थी। तो ये कहानियां मेरे चैनल पे पड़ी भी हैं, अगर आप रेगुलर विजिट करेंगे चैनल पे तो आपको और भी अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे। और अगर आप दिसंबर के लिए यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे 9650237227 9650237227 नंबर पे अपनी पूरी डिटेल लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए। ऑनलाइन कक्षाएं जल्द ही प्रारंभ होने वाली हैं। आइए अगले सवाल पे, नीर भरी दुख की बदली कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो ये सांदे गीत काव्य संग्रह से ली गई है। अगला सवाल है, आचार्य भरत ने कितने काव्य दोष माने हैं, तो इन्होंने 10 काव्य दोष माने हैं। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। मार्क्सवादी आलोचक वाला जो प्रश्न था उसमें उत्तर होगा शिवदान सिंह चौहान। कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है, नाभादास ये राम काव्यधारा के कवि हैं। क्या नारी होना पाप है, ये आकाशदीप कहानी का कथन है, कहा है इस बात को चंपा ने। आठवीं अनुसूची में भाषा जो आएगी वो नेपाली, और भाषाओं के संरक्षण का भार किस अनुच्छेद पे है, इस तरह का एक सवाल था। एग्जैक्ट भाषा मुझे नहीं प्राप्त हुई है, तो वो है अनुच्छेद 351 इसका उत्तर। उत्तर छायावाद के कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन और रामेश्वर सुख अंचल, ये बिल्कुल सही है। काव्य प्रकाश किसने लिखा है, तो ये मम्मट जी ने लिखा है। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी, तो इसमें रहस्यवादी प्रश्न, रहस्यवाद सबसे ज़्यादा किसमें है, तो ये सबसे ज़्यादा रहस्यवाद इन्होंने पंत में देखा है, तो इसमें सुमित्रा नंदन पंत वाला उत्तर सही होगा। नाट्यशास्त्र इसका क्रम लगाना है, तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है, तो जाहिर है सबसे पहले होगा, भरत मुनि सबसे पुराने थे, तो अगर नाट्यशास्त्र आप पकड़ लिए होंगे तो आपका सवाल सही होगा। नाट्यशास्त्र काव्यालंकार ध्वन्यालोक साहित्य दर्पण। तो आइए और भी सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हीरा बन ने अपनी गाड़ी में किसे ना बैठाने की कसम खाई, इसमें ना बैठाने की कसम खाई, ये चीज़ देखना था। तो इसने हीरा बन ने 3 कसमें खाई थी, एक तो चोरी का माल नहीं ला देगा, और दूसरा बांस नहीं ला देगा, और तीसरा कंपनी की औरत को नहीं बैठाएगा। जो तीसरी कसम है वही इस कहानी का थ्रिलर है, वही इस कहानी का सस्पेंस है, जो कि एकदम कथा के अंत में जाके उजागर होता है। कलि कौतुब किसकी रचना है, प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, इसमें भारतेंदु भी ऑप्शन था, तो बहुत लोगों ने भारतेंदु भी लगा दिया होगा। घनानंद को दिल्ली दरबार से निष्कासित किए जाने पर कहाँ दीक्षित हुए, वो निम्बार्क संप्रदाय में। शब्दार्थों सहितों काव्यम, ये तो भामह की पंक्ति है, सबको पता है। केशवदास की इसमें से कौन सी रचना नहीं है, तो ये रचना जो है ये रूप मंजरी नहीं थी, क्योंकि रूप मंजरी जो है वो नंददास की है। राम और काम का उपन्यास है, मानस का हंस। नील नभस्सर से निकला गिरता तिरता कुछ था कि इसमें
अलंकार कौन सा है? तो इसमें जो था एक रूपक, रूपक को उत्प्रेक्षा करके एक अलंकार था, वही वाला अलंकार इसमें सही होगा। फिर हमको पुस्तकों का मिलान करना था, काव्य प्रकाश के, चिंतामणि, रसराज मतिराम, रस विलास देव, रस सारांश भिखारी दास। तो इसमें जिसने रसराज मतिराम भी मिला लिया होगा उसका उत्तर सही होगा। रस सूत के किस व्याख्याकार ने तद्रा अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया? तो यह भट्ट लुलग ने किया। लाला श्रीनिवास दास किन किन विधाओं के रचनाकार थे? तो ये उपन्यास और नाटक के रचनाकार थे। गैंग्रीन कहानी में मालती का चरित्र कैसा है? तो आपने अगर गैंग्रीन कहानी नहीं पढ़ी होगी तो आप मेरे चैनल पे जाके सुन लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से, बहुत मन से उसका वाचन किया है और कुछ और भी बातें बताई हैं साथ में। तो गैंग्रीन कहानी की मालती जो है वो अज्ञेय की बचपन की दोस्त होती है, जो कि बहुत उद्दंड रहती है, पढ़ने लिखने में बहुत, पढ़ने लिखने की उसको बहुत ललक रहती है। तो अज्ञेय वहाँ जाते हैं तो यही सोचते हैं कि ये मालती कैसे हो गई, पहले इसको पढ़ने लिखने में कितना इंटरेस्ट था, अब इसने पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दी, उद्दंडता छोड़ दी। तो यही सब बातें हैं इसमें। तो इसमें एक ऑप्शन था कि पढ़ने लिखने में पढ़ने लिखने की तरफ भागती थी, उद्दंड स्वभाव की थी, तो ये सब ऑप्शन उसमें सही होंगे। यही सच है। किसकी रचना है? तो ये मन्नू भंडारी की रचना है। मन्नू भंडारी को आप जानते हैं, राजेंद्र यादव की पत्नी। आनंदवर्धन ने ध्वनि के किस रूप को काव्य की आत्मा माना? तो इन्होंने रस ध्वनि को काव्य की आत्मा माना। चलिए अगला एक था कि इजाद करता हूँ गाली, इजाद करता हूँ कविताएं और बकता हूँ गाली, इजाद करता हूँ गाली और बकता हूँ कविताएं, इस तरह से। तो ये श्रीकांत वर्मा जी की लाइन है। अगला प्रश्न है कि विलक्षण बात है, आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। ये शुक्ल जी की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, तो इसमें बहुत सोचने वाली बात नहीं है। जूही की कली का प्रकाशन 1916 में हुआ, ये तो आप बहुत आसानी से सही कर लिए होंगे। अब द्रौपदी, ये सुरेंद्र वर्मा के नाटक है, इसमें द्रौपदी उनका सबसे पहला नाटक है 1972, आठवां सर्ग 1976, रति का कंगन और शकुंतला की अंगूठी 1990। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ थे आया, इस तरह से पंक्ति है। तो ये महाराष्ट्र के संत थे नामदेव, जिन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत करी थी, उनकी पंक्ति है। और प्रिय प्रवास का रचनाकाल जो था, इससे संबंधित एक क्वेश्चन था, शायद सीरीज बनानी थी उसमें भी, तो इसका रचनाकाल 1914 था। और इसमें कुछ सवाल हैं कि एक सवाल था कि किस भाषा के लिए इन्होंने, और भी कई अच्छे सवाल थे, अभी मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहे, लेकिन मैं उनको अगले वीडियो में लेके आऊँगा। और अगर आप दिसंबर के लिए नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे संपर्क करें, या 9650237227 9650237 5023 7272 पे व्हाट्सएप करें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय जगत।